रानीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय स्थित जमीन रजिस्ट्री कार्यालय में जमीन रजिस्ट्री को लेकर बढ़ रहे विवाद की है। एक तरफ सरकार बढ़ रहे जमीनी विवाद को लेकर लगातार चल रही आपसी रंजिश, जमीन को लेकर हो रहे खून खराबा, हत्या मामले को लेकर सभी थानों में प्रत्येक सप्ताह शनिवार को जनता दरबार लगाती है। वहीं थाने में सीओ, सीआई, थानाध्यक्ष, कर्मचारी सभी बैठकर लगातार जनता के जमीन विवाद को खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ असामाजिक तत्वों के कुछ व्यक्तियों द्वारा दूसरे की जमीन को अपना जमीन बताकर किसी अन्य व्यक्ति को रजिस्टर कर बेच देते हैं, जिससे आए दिन क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर रंजिश बढ़ती जा रही है। बढ़ रही रंजिश को लेकर आपस में भी जमीन को लेकर खून खराबा, हत्या करने का तक की नौबत आ जा रही है। जमीन विवाद को लेकर कई बार देखा गया है कि खून खराबा ही नहीं, कई बार हत्या भी हो चुकी है। स्वर्ण रानी के साथ सुपौल से बलराम कुमार की रिपोर्ट। और खाता 51/6 जो है उसमें आपको मात्र 3 कट्ठा जमीन देखने के लिए मिल रहा है रकबा, जिसमें बहुजन ठाकुर के प्रत्येक बेटा को 1-1 कट्ठा हक बनता है। सीताराम ठाकुर को 5 पुत्र है और 5 पुत्र में 10-10 धुर करके हिस्सा हो रहा है। 2 पुत्र मिल करके 4 कट्ठा जमीन खाता नंबर 51/6 से बिक्री करने का जो काम किया है, बुझिए जो सरजमीन पर खून खच्चर करने की बात करेंगे। और रजिस्ट्रार को रजिस्ट्री होने से पहले ये वीरेंद्र ठाकुर जो है आवेदन दिए कि इसमें हम लोगों का 2 फरीका बहुजन ठाकुर के 2 पुत्र के औलादों का घर बना हुआ है, इस जमीन को जांच किए बगैर आप कवाला नहीं कीजिए। लेकिन रजिस्ट्रार साहब जो है अपने नियम कायदे के मुताबिक बिना जांच किए ही रजिस्ट्री कर दिए, इससे सरजमीन पर जो है भारी मात्रा में तनाव बना हुआ रहेगा। और सरकार का जो कानून पर कानून ये नीतीश सरकार बघारे जा रही है कि जमाबंदी रैयत ही जमीन को बेचेंगे, तो जमाबंदी रैयत के परपोता आज हिस्सा से ज्यादा जमीन बेचने के लिए आया और रजिस्ट्रार साहब कर दिए। हम कहते हैं ये नियम को सरकार को अविलंब लागू करना चाहिए कि जमाबंदी रैयत अगर जमीन को बेचते हैं तो सरजमीन पर जो आज के डेट में खून खच्चर होते चला जा रहा है, दियाद दियाद को मार रहा है और दूसरा आदमी भी जमीन हड़पने के नियत से तबाह कर रहा है, और गांव में किसी भी समाज के बुद्धिजीवियों का, जानकार का भी गांव के लोग बात मानने के लिए तैयार नहीं है। सरकार जो है जनता दरबार लगाती है। हम कहते हैं थाना अध्यक्ष और अंचलाधिकारी जनता दरबार में जो निर्णय लेते हैं उस निर्णय को जो पार्टी नहीं मानते हैं, सरकार को उसके विरुद्ध में कार्रवाई करने का पदाधिकारी को हक देना चाहिए। जो जटिल मामला है डायरेक्ट उस पदाधिकारी को अनुमंडल में, अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को उस मैटर को भेजना चाहिए। जो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी से हल नहीं होता है उसको जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक सुपौल के यहाँ भेजना चाहिए, ताकि दोनों पार्टी प्रशासन के भय से सरजमीन पर विधि व्यवस्था बनाए रखेंगे, ताकि सरजमीन पर खून खच्चर नहीं हो। हम सरकार से मांग करते हैं। नाम हुआ वीरेंद्र ठाकुर। कहाँ घर है? हरियर पट्टी, वार्ड नंबर 7। क्या मामला है, क्या दिक्कत है? मामला है हमारे परदादा के नाम से जमीन था, वो पड़ोसिया उसको लिख रहा है जोगिंदर ठाकुर, क्योंकि उसको हिस्सा मिल चुका है उसके बदले में, तो हम आवेदन लगाए और उसके आवेदन कहाँ लगाए? साहब के पास लगाए, जहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस के। कहाँ पर है? त्रिवेणीगंज। कहाँ पर? त्रिवेणीगंज में है। अच्छा, क्या लगाए आवेदन आप? आवेदन लगाए उसमें वो जो बंटवारा किया था वो भी कागज लगाए थे, मकान का फोटो कॉपी लगाए, वंश वृक्ष लगाए और वकील से लिखा के भी लगाए। क्या आवेदन लगाए? आवेदन लगाए जिस खसरा में घर है वो लगाए 529 में है 2 कट्ठा 6 धूर और 530 में है 14 धूर, तो 3 कट्ठा जमीन मेरा है, तो उसने जोगिंदर ठाकुर उसने लिख दिया दूसरे को। उसमें आपका घर है? हाँ, उसमें मेरा घर है। तो ये रजिस्ट्रार साहब के पास आवेदन जो लगाया उसमें क्या लिख के दिया कि रजिस्ट्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या दिए थे लिख के? रजिस्ट्री नहीं होना चाहिए। और रजिस्ट्रार साहब हमें क्या तारीख को दिए थे?
दस को दस तारीख को दिए। अच्छा, क्या पूछा रजिस्ट्रार साहब? रजिस्ट्रार पूछा वीरेंद्र ठाकुर अभी का नाम है? बोला जी मेरा ही नाम है, पिताजी का बुधू ठाकुर। तो बोला क्या बात है? तो बोले कि जो सर ये मेरा जमीन लिखा रहा है जोगिंदर ठाकुर, ये मेरे हिस्से का जमीन है। तो उसने बोला कि जो ये दूसरे को बेच रहा है, दूसरे को बेच रहा है। तो उसने बोला जो कि खता खसरा कितना है? तो मैं बोला खसरा है 551/6 है, 551/6 है और 529 खसरा है, जिसमें 2 कट्ठा 6 धूर जमीन है और 530 में 14 धूर है। तो साहब ने बोला खता खसरा तो मिल रहा है, चौधरी क्या है? तो मैंने बताया जो दक्षिण में भी सड़क है, पूर्व में भी सड़क। तो बोला ठीक है, रजिस्ट्री नहीं होगा, अब जांच होगा उसके बाद रजिस्ट्री करेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर चले गए, तो शनिवार को आए, 12 तारीख को पता लगा कि ये लोग आए हैं। तो हम गए फिर साहब के पास, आवेदन लगाए, नाम और गांव का पता लिख के दिया, सब कुछ हो गया। हाँ, तो हमको बुलाया और उस पार्टी को भी बुलाया। हमने बोला ये वीरेंद्र ठाकुर जी सर। तो बोला आज तो रजिस्ट्री इसका हो जाएगा। तो मैंने बताया जो क्या तारीख को रजिस्ट्री कर रहा था? 12 तारीख को। 12 को आप आवेदन लगाए थे रोक लगाने के लिए जी, फिर भी रजिस्ट्री हो गया? रजिस्ट्री हो गया। जांच किया साहब? क्या नहीं जांच किया? तो उसमें आपका जमीन में घर है? हाँ घर है। तो हमने बोला कि जी सर आप तो बताए थे कि जे इंक्वायरी हो के रजिस्ट्री होगा, तो आप क्यों कर रहे हैं? बोला नहीं इंक्वायरी अथी रजिस्ट्री तो होके रहेगा। हम बोले नहीं सर, पहले इंक्वायरी कीजिए उसके बाद रजिस्ट्री कीजिएगा। आप तो बताए थे कि जो इंक्वायरी होगा उसके बाद रजिस्ट्री होगा, तो सर पहले इंक्वायरी कीजिए उसके बाद रजिस्ट्री होगा। अभी कैसा क्या नौबत है मारपीट करने का? क्या नौबत? मारपीट करने का वहाँ काफ़ी नौबत है, वो लोग हमेशा तैयार रहता है लाठी भाला फरसा लेके। उसमें आपका घर भी है? उसमें मेरा घर भी है, उसमें 5-6 घर है मेरा। आप क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से चाहते हैं कि जो वो रजिस्ट्री नहीं होना चाहिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। रहने के लिए हमारे YouTube चैनल न्यूज़ ट्रैम 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।